लोकसभा चुनाव 2024 के अंतिम चरण यानी 7 फेज की वोटिंग 1 जून को होगी। इस फेज में पश्चिम बंगाल की 9 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस फेज में 12-7, बशीरहाट, डायमंड हार्बर, दमदम, जादवपुर, जयनगर, कोलकाता उत्तर, कोलकाता दक्षिण और मथुरापुर लोकसभा सीट शामिल है। साल 2019 आम चुनाव में इन सभी सीटों पर ममता बनर्जी की पार्टी TMC ने जीत हासिल की थी। चलिए अब आपको बताते हैं कि किस सीट पर किसके बीच कड़ा मुकाबला है। डायमंड हार्बर लोकसभा सीट, इस सीट पर TMC ने मौजूदा सांसद अभिषेक बनर्जी को उम्मीदवार बनाया है। अभिषेक बनर्जी पिछले 10 सालों से सांसद हैं। इस सीट पर BJP ने अभिजीत दास को मैदान में उतारा है और CPM ने प्रतीकुल्लर रहमान को उम्मीदवार बनाया। पिछले चुनाव में अभिषेक बनर्जी ने 3.20 लाख वोटों से हराया था। इस सीट पर AIMIM ने मोहम्मद रबीबुल शेख को उतारा है। दमदम लोकसभा सीट, इस सीट पर TMC का साथ 2019 से कब्जा रहा है। सौगत राय पिछले 15 सालों से सांसद हैं। एक बार फिर पार्टी ने सौगत राय पर भरोसा जताया है। इस सीट पर BJP ने शीलभद्र दत्ता को उम्मीदवार बनाया, जबकि CPM ने सुजन चक्रवर्ती को मैदान में उतारा है। पिछले चुनाव में सौगत राय ने 53,000 वोटों से जीत हासिल की थी। अगले नंबर पर आती है बशीरहाट। साल 2019 में TMC का कब्जा है। TMC ने मौजूदा सांसद नुसरत जहां का टिकट काट दिया। पार्टी ने उनकी जगह हाजी नरूल इस्लाम को मैदान में उतारा है, जबकि BJP ने रेखा पात्रा को उम्मीदवार बनाया है। पिछले चुनाव में TMC उम्मीदवार नुसरत जहां ने BJP उम्मीदवार सैयद तनबसु को 3.5 लाख वोटों से हराया था। संदेश खाली विधानसभा सीट इसी लोकसभा सीट के तहत आती है, जहाँ महिलाओं पर उत्पीड़न का भी आरोप लगा था। जादवपुर लोकसभा सीट से TMC ने इस बार मौजूदा सांसद मिमी चक्रवर्ती का टिकट काट दिया। इस बार पार्टी ने सायोनी घोष को मैदान में उतारा है। इस सीट पर TMC का पिछले 15 सालों से कब्जा रहा है। BJP ने अर्निबान गांगुली को उम्मीदवार बनाया। CPM ने सीट पर श्रीजन भट्टाचार्य को मैदान में उतारा है। पिछले चुनाव में TMC उम्मीदवार ने BJP उम्मीदवार अनुपम हजारा को 2.95 लाख वोटों से हराया था। जयनगर लोकसभा सीट, पिछले 10 सालों से TMC का सीट पर कब्जा रहा है। ममता बनर्जी की पार्टी की उम्मीदवार प्रतिभा मंडल के पास जीत की हैट्रिक लगाने का मौका है। BJP ने सीट से अशोक कंडारी को मैदान में उतारा है। इस सीट पर ISF ने मेघनाथ हल्दर को उम्मीदवार बनाया है। पिछले चुनाव में TMC उम्मीदवार ने 3.16 लाख वोटों से जीत हासिल की थी। 12-7 लोकसभा सीट, तृणमूल कांग्रेस का पिछले 15 सालों से 12-7 सीट पर कब्जा रहा है। TMC ने एक बार फिर इस सीट पर मौजूदा सांसद ककोली घोष दस्तीदार को उम्मीदवार बनाया। इस सीट पर BJP ने स्वप्न मौजूमदार को मैदान में उतारा है। पिछले चुनाव में TMC उम्मीदवार ने BJP उम्मीदवार डॉक्टर मृणाल क्रांत देवनाथ को 1.10 लाख से हराया था। अगले नंबर पर आती है कोलकाता उत्तर लोकसभा सीट। पिछले 15 सालों से TMC का दबदबा रहा है। साल 2009 से सीट पर सुदीप वद्योपाध्याय सांसद हैं। एक बार फिर TMC ने सुदीप पर भरोसा जताया है, जबकि BJP ने सीट से तापस राय को मैदान में उतारा। कांग्रेस ने सीट से प्रदीप भट्टाचार्य को उतारा है। पिछले आम चुनाव में TMC उम्मीदवार ने BJP के राहुल विश्वजीत सिन्हा को 1.27 लाख वोटों से हराया था। मथुरापुर लोकसभा सीट, पिछले 15 सालों से TMC के उम्मीदवार को इस सीट से जीत मिलती रही है। इस बार TMC ने मौजूदा सांसद चौधरी मोहन जाटुआ का टिकट काट दिया। उनकी जगह पार्टी ने बागी हल्दर को उम्मीदवार बनाया है। चौधरी मोहन जाटुआ साल 2009 आम चुनाव से लगातार जीत हासिल कर रहे हैं। BJP ने सीट पर अशोक पुकैत को उम्मीदवार बनाया है, तो CPM ने डॉक्टर शरद चंद्र हल्दर को मैदान में उतारा है। पिछले चुनाव में TMC उम्मीदवार ने BJP उम्मीदवार को 2 लाख से अधिक वोटों से हराया था। कोलकाता दक्षिण लोकसभा सीट पर 25 सालों से TMC का कब्जा रहा है। TMC ने मौजूदा सांसद माला राय को फिर से मैदान में उतारा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस लोकसभा सीट से 6 बार सांसद चुनी गई हैं। वहीं BJP ने सीट से देवाश्री चौधरी को मैदान में उतारा है, जबकि CPM ने सराया शाह हलीम को उम्मीदवार बनाया। पिछले चुनाव में TMC उम्मीदवार ने 1.2 लाख वोटों से हराया था।
फिलहाल 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया है, लेकिन क्या इस चुनाव के अंतिम फेज में टीएमसी के गढ़ में बीजेपी सेंध लगा पाती है या नहीं, ये तो 4 जून के परिणाम ही बताएंगे। आगे की अपडेट के लिए बने रहें न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।